हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 56 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन इस सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट करना है। अब नोटिफिकेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ठीक है। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये जो बटन दे रखा है ना, इस बटन को आपको सेलेक्ट करना है। तो ये बटन आपका जो है ना ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि आपकी सेटिंग इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी सेटिंग इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जब भी आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन ऑफ होगी इस तरीके से, ठीक है, तो आपके मोबाइल फोन पे अगर कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव होगा ना, तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो जितनी बार आपके मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन आएगा उतनी बार आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फोन में, ठीक है, इनेबल करने के बाद। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कैसे आप इस सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सेटिंग का नेम, ठीक है, वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। यहां पर आपको जो है ना टाइप कर देना इस तरीके से, तो आपको नीचे की साइड ना ऑप्शन शो हो जाएगा वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे की साइड ऑप्शन शो हो गया। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाता है ना, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।